हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी शिया। माय नेम इज़ ओम और आज हम डिस्कस करेंगे आईएसबाबा की मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन ऑफ नवंबर, जिसमें हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के पार्ट वन को जो डील करा था। आज उसके सेकंड पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी टेल यू, आप इस वीडियो की पीडीएफ नीचे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको और भी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर किए जाते हैं जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम परस्पेक्टिव पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे फर्स्ट आर्टिकल है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक जर्मन बेंथम, जो कि फेमस फिलोसोफर हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, विटनेस आर द आइज एंड ईयर ऑफ द जस्टिस। देखो, किसी भी केस में जो विटनेस होता है वो एक तरीके से उसकी लाइफलाइन होता है, कि जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे ईयर्स और जो हमारे आइज़ होते हैं, आँख और कान, ये आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, हमें देखने के लिए, चीज़ों को सुनने के लिए, महसूस करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो कुछ उसी तरह इनके अकॉर्डिंग विटनेस जो होता है वो आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द जस्टिस इन्होंने कहा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें जानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली सारे स्टेट्स को ये डायरेक्शन दिया कि जो ये नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सेंटर ने, दोनों ने मिल के जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाई थी उसको सारे स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जाए। देखो, ये फ्रेम की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। और इससे पहले जैसे ये ऐसे विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि आसाराम बापू के जो केस हैं, जैसे उसमें महेंद्र चावला जी जो पर्सन थे, फिर उसके बाद सलमान खान केस में रविंद्र पाटिल, फिर जेसिका लाल जो बहुत फेमस केस है, शान मुंसिल, और ये सब जो केसेस हैं इनमें जो ये विटनेसेस थे, ठीक है, इन्होंने कहीं मतलब अपने केस के दौरान अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उन्होंने के लाइफ के थ्रेट में आते हुए उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स आखिरी में बदल लिए थे, ठीक है। तो इस वजह से इन सारी स्कीम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। और देखो, ये जो स्कीम्स हैं ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होंगे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और देखो, अभी हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 141 और आर्टिकल 142, ठीक है, इन दोनों आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि ऐसे जो मतलब जो भी इश्यूज हैं जिन पे पहले से लॉज नहीं बना रखे हैं, उन पे लॉ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वो ऐसी चीज़ों पे लॉ बना दें, मतलब तत्काल प्रभाव से। फिर उसके बाद जब अगर पार्लियामेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट में इसे परफेक्ट लॉ में इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट्स हैं उसको टर्मिनेट कर देंगे। फिर उसके बाद देखो, इसमें हेड ऑफ़ द पुलिस के थ्रू थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। और आइडेंटिटी इसमें चेंज कर दी जाएगी, जो विटनेस होते हैं उनकी लोकेशन रीलोकेट कर दी जाएगी। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी। फिर जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं रिकवरी के, एक्सपेंसेस के, उनको सारे को प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। और ये ड्राफ्ट स्कीम है, ये नालसा के थ्रू और BPRD यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ये ड्राफ्ट फाइनली मतलब ले डाउन किया गया था। और देखो, अभी रिसेंटली जस्टिस वी मालिमत कमेटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी, आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं और आप इसको मेंस राइटिंग में भी कोट कर सकते हो, ठीक है। जस्टिस वी मालिमत कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया था विटनेस प्रोटेक्शन लॉज के लिए इन बैक 2006 ओनली, मतलब 2006 में ही इन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि आप ऐसे कुछ लॉज लेके आओ विटनेस प्रोटेक्शन से रिलेटेड। और अभी आप देखो तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज जैसे US, UK, चाइना, इटली, हांगकांग, कनाडा, आयरलैंड, इन सब में पहले से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बना रखे हैं, ठीक है। अब देखो आगे, देखो यहाँ पे विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स के अंदर इनको बहुत सारे राइट्स, जैसे राइट टू गिव एविडेंस, राइट टू बी प्रोटेक्टेड, फिर ट्रीटेड विद डिग्निटी, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, और राइट टू सिक्योर वेटिंग प्लेस, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के टाइम पे कोई भी वेटिंग प्लेस पे वो सिक्योर्ड रहें, ऐसा ना हो कि कोर्ट के वेटिंग रूम में ही उनकी मतलब उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए। फिर राइट टू ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिंग अरेंजमेंट्स, ये सब इनको राइट्स गारंटी किए जाते हैं। अब देखो, इससे पहले दो केसेस हुए थे, नीलम कतरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और एक हिमांशु सिंह सबरवाल वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये 2008 का केस है। देखो, फर्स्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो मतलब विटनेस होते हैं दे आर द फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और अगर ये कमज़ोर हो जाते हैं, ये एक तरीके से फाउंडेशन होते हैं जो जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके फाउंडेशन होते हैं विटनेसेस, और अगर एक तरीके से ये कमज़ोर हो जाती है तो पूरा जो जजमेंट होता है वो एक तरीके से बदल जाता है, ठीक है। और देखो, सेकेंड केस में वही कुछ अलग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि देखो, जो विटनेसेस होते हैं अगर इनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, इनके जान को खतरा होता है, फिर इनको हैरेस किया जाता है, तो इसकी वजह से जो एक मतलब दूसरा पर्सन जो इनोसेंट है उस पर्सन की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हनन होती हैं, उसको वायोलेशन होता है। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, देखो अभी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ राइज हुए हैं जिसकी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है जो गवर्नमेंट बॉडीज़ की, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आर्टिकल उसी से रिलेटेड है।
देखो अभी बहुत सारे केसेस हुए हैं, जैसे सीबीआई का केस आपको देखने में मिला, फिर उसके बाद आरबीआई की ऑटोनॉमी से रिलेटेड, फिर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने ये भी बोला था कि अगर ऑटोनॉमी आरबीआई की यानी कि सेक्शन 7 जो बहुत न्यूज़ में था, ठीक है, ये जो सेक्शन 7 यहाँ पे यूज़ किया गया था, अगर इसकी ऑटोनॉमी को इरोड किया जाएगा तो ये पूरे इकॉनमी के लिए एक खतरा है, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन को भी यहाँ पे प्रॉब्लम झेलने पड़े थे जब इलेक्शन डेट्स अनाउंस करने थे दिल्ली लेजिस्लेटर से रिलेटेड, ओके। फिर उसके बाद देखो ऑन गोइंग मी टू कैंपेन जो यहाँ पे हमारे लार्ज इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो यहाँ पे देखने को मिला, फिर उसका जो सिविल सर्विसेज रूल्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में उसको ज़बरदस्ती मतलब एक तरीके से इम्पोज किया जा रहा है, फिर जो बैंकिंग सिस्टम में क्राइसिस है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, तो उनके फिनेंशियल सिस्टम जो है उस पर असर पड़ रहा है, फिर जुडिशरी का क्या कहना है यहाँ पे, तो जो आपको मैंने अभी नवंबर मंथ में मैंने आपको डील भी किया था कि जिसमें जो नंबर्स ऑफ जजेस हैं वो कितने कम हो चुके हैं, ठीक है। अभी हमारे एक सिर्फ उत्तर प्रदेश में आप देखो तो 50% प्लस आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। फिर उसके साथ जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी जो डेडलाइन जो होती हैं इनके बहुत ज़्यादा लंबे डेडलाइन हो रहे हैं, और जो ये डेडलाइन है इंस्ट्रूमेंट्स की, और ये मतलब दीज डेडलाइंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया इज़ नॉट रीसेंट, ओके। अब देखो यहाँ पे दो केसेस का एग्जांपल दिया गया है, एक डिमोनेटाइजेशन और एक सीबीआई। देखो 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ जिसकी वजह से जो सेंट्रलाइज्ड पावर था, जो यूनियन गवर्नमेंट ने बिना किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से आरबीआई से बिना भी मतलब कंसर्न लिए हुए उनसे ये डायरेक्टली उसको इम्पोज कर दिया गया, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अप्रॉक्स मतलब जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा जो हमारे इकॉनमी में कैश के ऊपर डिपेंडेंट जो पर्सनस हैं उनके बिजनेसेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, और एक तरीके से चाओस मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम प्रिवेल हो गया पूरे, और एमएसएमई सेक्टर मोस्ट अफेक्टेड था, ठीक है। उनको जो एमएसएमई कैश के बेसिस पे फंक्शन करते थे, और इसकी वजह से लेकिन यहाँ पे देखो 99% जो मनी यहाँ पे थी जो हमारे सिस्टम में वो रेगुलेशन में जो थी वो वापस भी आ गई। तो इससे जो फेमस एजेंडा था गवर्नमेंट का कि इससे हम मतलब जो ब्लैक मनी है उसको कब करेंगे, तो बेसिकली वो तो उनका मेजर यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही 99.9% जो जितने 99% मनी जो है वो वापस सिस्टम में आ चुके हैं, ठीक है। फिर देखो सीबीआई में आपको देखने को मिलेगा जो सीबीआई वर्सेस सीबीआई अभी केस हुआ था, जो एक दूसरे की जो पोल खोलने पे लगे थे, वो आपने सुना होगा ना कि दो चोर लड़ते हैं आपस में तो एक दूसरे की पोल खोलने लगते हैं, तो कुछ उसी तरीके का केस हुआ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे सिर्फ सीबीआई नहीं, फिर उसके साथ साथ सीबीसी के भी इंडिपेंडेंस और उनके फंक्शनिंग पे क्वेश्चन मार्क उठने लगे, क्योंकि आफ्टरऑल दोनों के पावर्स तो एक ही जगह से डिराइव होते हैं। मैंने आपको एमसीक्यू सेक्शन में भी डील किया था अक्टूबर मंथ की, आप बताओ कि सीबीसी और सीबीआई दोनों किस एक्ट से अपने पावर डिराइव करते हैं, ओके, और इन दोनों को किसके थ्रू बनाया गया था, मतलब किस कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू बनाया गया था। अब देखो यहाँ पे डायलेमा ये है कि देखो जो इमरजेंसी 1975 का टाइम, ये जो ब्लैक पीरियड है यहाँ पे, ये यहाँ पे इस समय बोला गया था कि जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है उस समय ये आइडिया फ्लोट किया था, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम मतलब गवर्नमेंट में इमरजेंसी सॉरी कंट्री में इमरजेंसी लगी थी, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ब्लैक टाइम जो हमारे पास्ट का ब्लैक टाइम एक तरीके से माना जाता है, तो ये जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का टाइम उस समय आइडिया फ्लोट हुआ था ये बेसिकली था किसके लिए, क्या मतलब कमिटेड नेशनल इंटरेस्ट के लिए या फिर जो रूलर्स होते हैं उनके लिए, मतलब जो लॉज बनाने वाले होते हैं उनके लिए। और दूसरा डिलेमा ये था कि क्या डिसऑनेस्ट सिस्टम मतलब कि जो बेईमानों का सिस्टम है वो इसको ऑनेस्टली मैनेज कर सकता है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने बहुत आस के साथ बहुत ही मतलब कहते हैं ना उल्लास के साथ बहुत ही खुशी के साथ उन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जी जान लगा के उन्होंने बनाया था, और उसको इस तरीके से उनकी जो मशीनरीज हैं उनके ऊपर इस तरीके से फंक्शनिंग के ऊपर क्वेश्चन उठना ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की हमारे इंसल्ट होती है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि हमने हर चीज़ के लिए स्पेसिफिकली हमने हर चीज़ का दायरा सेट कर रखा है कि आपकी ये लिमिटेशन है आपकी ये लिमिटेशन है आपका ये दायरा है आपको इसके अंदर काम करना है, और इसके बावजूद भी अगर ऐसे प्रॉब्लम अराइज होते हैं तो ये डेफिनेटली बहुत ही मेजर कॉज ऑफ कंसर्न होता है, ठीक है। अब देखो इसके इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन के इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। देखो रूल ऑफ लॉ जो होते हैं इसको एक तरीके से कहीं ना कहीं डाउनग्रेड किया जा रहा है, ठीक है, और इलीगैलिटी बीइंग कमिटेड ऑन लार्ज स्केल। फिर उसके साथ साथ देखो जो ग्रोथ है ब्लैक इकॉनमी की, अगर आप 1955 से 1996 के टाइम पे अगर देखो तो ये 4-5% ऑफ जीडीपी थी, और अब ये 62% ऑफ द जीडीपी आपको देखने को मिलेगी, ओके। अब देखो इसके साथ साथ जो सिस्टमैटिक और सिस्टमिक जो इरोड इंस्टीट्यूशंस हैं फंक्शनिंग ऑल अक्रॉस द बोर्ड, दिस हैज़ डैमेज द इंस्टीट्यूशन, और ये जो फाइट है
widespread graft in the country has been set back. ओके अब देखो यहाँ पे AV डाइसी रूल ऑफ लॉ है क्या बेसिकली, तो यहाँ पे तीन रूल ऑफ लॉ हैं ये, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इंडिविजुअल लिबर्टीज. देखो सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग बैक बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये रूल दिया था कि जो आर्बिट्रेनेस है और जो अनरिजनेबलनेस है ये रूल ऑफ लॉ के अंदर नहीं आता है, ठीक है, मतलब रूल ऑफ लॉ इन दोनों को एक्सक्लूड करता है. अब देखो हम लोग इसे थ्रू आगे हम लोग क्या वे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशन हमारे प्रोवाइड करते हैं, जो फ्रेमवर्क है इंडिविजुअल्स के लिए, जो सिस्टम्स हैं फंक्शन के लिए, उनको ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग को फंक्शन करने दें, सोसाइटल फंक्शनिंग उनकी होनी चाहिए, ठीक है. और जो अगर इस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं तो इससे डेमोक्रेसी भी हम लोगों की कहीं ना कहीं तक वीकेंड होती है, जो सोसाइटल फंक्शनिंग होती है वो कमज़ोर होती है, उसकी वजह से डेमोक्रेसी हमारी वीक हो जाती है, ठीक है. और जो जो सेंस है जस्टिस का ये मतलब एक तरीके से गायब हो जाता है, और अपोजिशन जो है इज सॉट टू बी सप्रेस्ड. ओके और अगर इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो दे आर रिस्पेक्टेड, ठीक है. और ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि उनको मैनिपुलेट किया जाए, और इट इनेबल्स द ऑनेस्टी टू सर्वाइव. और देर इज़ अ नीड फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, जिसके थ्रू जो नेशनल इंटरेस्ट है उनके फेवर में हम लोग ज़्यादा वर्क कर सकें, ठीक है, हम लोग उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें. देखो नेक्स्ट आर्टिकल है, एक्चुअली नेक्स्ट दो आर्टिकल्स जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर से रिलेटेड हैं, जो उनके पावर्स एंड फंक्शंस हैं. ओके सो उसको हम लोग अमालगमेट दोनों को एक साथ करके हम लोग डिस्कस करेंगे. देखो अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर गवर्नर ने अपने पावर्स को यूज़ करते हुए, जो कि सेक्शन 53 जो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके सेक्शन 53 इनको ये पावर देता है कि ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते हैं. इन्होंने इसका पावर को यूज़ करते हुए भी रिसेंटली अपनी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है. अब देखो यहाँ पे पावर्स जो गवर्नर्स के थ्रू यूज़ किए गए, मतलब जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ओके सेक्शन 92 और सेक्शन 53 का सब पार्ट 2 और बी क्लॉज. ओके तो इसके थ्रू देखो सेक्शन 92 में क्या है, ये देखो जो सेक्शंस होते हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट इसकी एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन है. देखो सेक्शन 92 जो है ये डील करता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से जो स्टेट में है, और सेक्शन 53 जो है ये डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा मतलब सॉरी स्टेट असेंबलीज से रिलेटेड है. ओके अब देखो पावर्स जो हैं स्टेट्स की, जो अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में जम्मू एंड कश्मीर के, देखो गवर्नर जो है ये लेजिस्लेटिव असेंबली को चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे सिर्फ डिसॉल्व कर सकते हैं अगर उनको नो कॉन्फिडेंस वोट मिलता है, ठीक. ओके और ये गवर्नर के ऊपर है कि वो मतलब आगे क्या करना चाहते हैं. और देखो गवर्नर जो हैं वो अपने मतलब बुद्धिमत्ता अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को अबाउट द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट. और इसके बाद यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लग जाती है. ओके स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी से कौन सा रिलेटेड आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके या आपको नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बताना, थोड़ा इसके बारे में जाके पढ़ो आप, क्योंकि हमारे यहाँ तीन तरीके की इमरजेंसीज होती हैं. ओके स्टेट इमरजेंसी को कौन से आर्टिकल में डाला गया है ये आपको बताना है. और देखो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी अगर नहीं मिलती है तो गवर्नर के पास ये डिस्क्रिप्शन होता है कि वो किसी भी पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाओ, आप मेजॉरिटी प्रूव करो और आप चीफ मिनिस्टर की ओथ ले लो. ओके अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल भी वैसे ही है. और जो और देखो इन्होंने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन इनका सॉरी ये असेंबली जो इन्होंने डिसॉल्व किया उसमें इन्होंने ये रीज़न दिया कि इसमें अगर गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग मतलब कि MLAs की खरीद बिक्री होती, और उसके बाद जो गवर्नमेंट बनती उनमें मतलब वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते, मतलब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ स्टेबल गवर्नमेंट. देखो लेकिन ये सब जो मूव्स लिए गए जो जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू, इसके थ्रू बेसिकली एक फ्रेश इलेक्शन बुलाने के लिए ये स्टेप लिया गया था, जिसके थ्रू JNK की जो असेंबली है इसको डिसॉल्व किया गया. और ये जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था, ठीक है. अब देखो बहुत सारे ऐसे जैसे इंडिकेटर्स हैं, जैसे रामेश्वर प्रसाद 2006 जो गवर्नर के केस में यहाँ पे एक इंडिकेशन आया था कि जो गवर्नर होते हैं ये जो इलेक्शन के बाद जो पोस्ट पोल अलायंस होते हैं उनको ये डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, और जो पॉपुलर गवर्नमेंट होगी उसको बनाने के मतलब जैसे कहते हैं ना कि तरीके नहीं ढूंढ सकते हैं गवर्नमेंट गिराने के, उनको बेसिकली वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के जो पॉसिबिलिटीज होती हैं जो होप्स होते हैं उनको देखना होता है. और हॉर्स ट्रेडिंग या फिर ये सब चीज़ें कहीं भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये नहीं बोला गया कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए या फिर आपके जो गवर्नमेंट है उसकी कितनी लाइफ रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप किसी गवर्नमेंट को गिरा दोगे, ठीक है. उनको यहाँ पे होप देखनी, पॉसिबिलिटी देखनी, ये नहीं कि वहाँ पे कैसे उनको गिराया जाए. देखो जो
जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर है, सिंस उनके कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग है तो उनको बहुत ज़्यादा अलग लेवरेज मिलती है। देखो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर होते हैं ये पावर और जो अथॉरिटी होती है वो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, और जो गवर्नर हैं जम्मू और कश्मीर के ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू बाय हिज वारंट, ठीक है। और जो गवर्नर जो हैं ये अपनी जो ऑफिस है ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है इनका ऑफिस का टेन्योर। और जो गवर्नर होते हैं ये अपनी अगर रेजिग्नेशन होती है वो सीधा डायरेक्टली प्रेसिडेंट को लिख के अपनी रेजिग्नेशन देते हैं, ओके। और देखो इनके जो टेन्योर होती है, ये गवर्नर जो स्टेट जम्मू और कश्मीर के होते हैं इनकी 5 ईयर की टेन्योर होती है। अब बताओ आप जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इन सब स्टेट्स के जो गवर्नर होते हैं उनकी टाइमिंग क्या होती है, मतलब उनके टेन्योर क्या होते हैं, 5 ईयर होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। और देखो कोई भी पर्सन गवर्नर की ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट तभी उनको मिलती है जब वो सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं या फिर 30 ईयर्स एज उनकी होनी चाहिए, ठीक है। और जो गवर्नर होते हैं मतलब ये जो अपनी ओथ जो लेते हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर की है या फिर उनके एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके प्रेजेंस में, ओके। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एड एंड एडवाइस करते हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर को एज पर सेक्शन 35 जो मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और 35(2) के अंदर जो फंक्शंस हैं जितने भी गवर्नर के एक्सेप्ट मतलब जो 36, 38, 92 के अकॉर्डिंग ये एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग पे ही ये चलेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे गवर्नर्स के अपने अपने डिस्क्रिप्शन मतलब उनको अपनी सोच के अकॉर्डिंग कब कब फंक्शन करने के पावर्स दी गई हैं, सेक्शन 36, 38 और 92 जैसा हमने डिस्कस किया था मिनिस्टर को अपॉइंट करने टाइम, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर स्टेट इमरजेंसी इंप्लीमेंट करनी हो फिर उसे डिप्यूटी मिनिस्टर्स जैसे लगाने हो तो वहाँ पे गवर्नर चीफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे अब वहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट करते हैं। अब देखो सिंस जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही एक क्रूशियल बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेट है इंडिया का, सो वहाँ पे किसी भी तरीके की इनस्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, ठीक है। और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है यहाँ पे इस सेंसिटिव स्टेट में ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए उनको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी तो फ्यूचर में मतलब इस तरीके की जो इमर्जिंग अलायंस होगी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब इस तरीके की अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इमर्जिंग अलायंस भी नहीं सामने आएंगे तो एक स्टेबल गवर्नमेंट भी बनना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे वोटिंग सिस्टम से रिलेटेड। देखो अभी रिसेंटली US में जैसे मिड टर्म इलेक्शंस हुए उसमें एक तरीके से ब्लू वेव यानी कि डेमोक्रेट जो हैं यानी कि जिस पार्टी के बराक ओबामा जीते, ठीक है, और जो अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के, ओके। तो ये जो यहाँ पे ब्लू वेव चली गई थी, ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से जो बराक ओबामा की जो पार्टी थी, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके काफ़ी ज़्यादा ये मिड टर्म इलेक्शंस में सीट मतलब पहले के कंपैरिजन में देखने को मिले। देखो यहाँ पे दो वोटिंग सिस्टम के बेसिकली बारे में बताया गया है, एक होती है प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम और एक होती है FPTP यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट। देखो प्रेफरेंशियल में होता ये है कि मान लो सपोज करो ये कैंडिडेट है X और ये कैंडिडेट है Y, और यहाँ पे मान लो जो पर्सन यहाँ पे वोट दे रहे हैं मान लो सपोज करो A, B, C, D ये 4 इलेक्ट्रॉल्स हैं, ठीक है, आपको वोट करने के लिए दिया गया है इनको, इन दोनों पर्सन को, तो कोई पर्सन इनको फर्स्ट देगा, कोई इनको फर्स्ट देगा, कोई इनको फर्स्ट देगा, दूसरा पर्सन क्या पता इनको सेकंड दे दे, तो इस तरीके से जैसे एक तरीके से नंबरिंग दी जाती है, और जिन पर्सन के पास आखिरी में ज़्यादा नंबर्स आते हैं ना मतलब 50% जो मैंडेटेड होता है और प्लस 1 वोट उनको अगर मिल जाए तो वो डिक्लेयर्ड हो जाते हैं, विनर डिक्लेयर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होता है कि इसमें परसेंटेज के बेसिकली देखा जाता है, ठीक है। और जैसे देखो US इलेक्शन जो 2016 में हुए थे डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे प्रेसिडेंसी में डिस्पाइट विनिंग लेस देन 50% ऑफ द वोट, वोट्स जो उनको मिले थे वो परसेंटेज कम था लेकिन जो नेचर जो इस इलेक्टोरल कॉलेज का है इसकी वजह से बेसिकली वो जीते थे, ठीक है। और देखो इसमें माइनॉरिटी ऑफ वोट्स जो होती है उसके बाद भी बहुत ज़्यादा जीतने के चांसेस ऐसे बन जाते हैं, और ऐसे इंडिया में भी बहुत सारे केसेस हुए हैं। जैसे इंडिया में FPTP जो मॉडल है उसको फॉलो किया जाता है, और बहुत सारे स्टेट्स में अगर पर्टिकुलरली आप देखो UP, बिहार, इन सब केसेस में मतलब इन सब स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो पार्टीज़ हैं उनको लेस देन 50% ऑफ द वोट मिले हैं लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी हो जाती है, ठीक है। और इससे रिलेटेड पास में भी बहुत सारे ऐसे केसेस मिले हैं, ठीक है, कोएलिशन वगैरह इनके बारे में भी बनी है। और 2014 में
जैसे एनडीए गवर्नमेंट जो अभी प्रेजेंटली है, इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ सीट्स तो जीते थे, लेकिन इनके पास टोटल अगर वोट शेयर देखा जाए तो 38.5% ही थी, ठीक है। और ये अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा छोटा अमाउंट है। और देखो, ये जो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू FPTP, ठीक है, और इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग एज अ जस्ट अल्टरनेटिव इन द लॉन्ग टर्म। और देखो, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, सिंस यहाँ पे FPTP इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है स्टेट्स में, तो क्या प्रेफरेंशियल जो वोटिंग सिस्टम है ये इंडिया में कहीं यूज़ होता है किसी, मतलब परफेक्ट पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इलेक्शंस में, वहाँ पे उनको उसको इलेक्ट करने के लिए? क्या इस तरीके के जो पैटर्न है हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, आपको नीचे कमेंट सेक्शन बताना है, और अगर करते हैं तो कौन सी पोस्ट के लिए, ओके। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो बरेल जो होती है ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू, मतलब जो हमारे पेपर होते हैं उन पे जो लिखा हुआ होता है उसको बेसिकली थोड़ा सा उठा दिया जाता है, ताकि जैसे आप देखते हो जिन पर्सन्स को देखने में प्रॉब्लम होती है वो पेपर को टच करके अपने, मतलब उन वर्ड्स को पता कर लेते हैं वो, ये बेसिकली वही चीज़ है। ये जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके पढ़ने के लिए, उनके ईज के लिए ये बेसिकली एक सिस्टम है, और ये मिस्टर बरेल के थ्रू ही डेवलप किया गया था, ठीक है, और ये आज वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में प्रिवेल होता है। और इसके उपलक्ष में हम लोग वर्ल्ड बरेल डे भी मनाते हैं किसी दिन, आपको गूगल करना है इसके बारे में, थोड़ा जाके पढ़ना है कि ये बरेल डे कब मनाया जाता है, उनका पूरा नाम बताना है, और नीचे कमेंट सेक्शन में, ओके। अब देखो, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस बरेल स्क्रिप्ट में ये इम्प्लीमेंट किया, मतलब अवेलेबल किया जाएगा, ठीक है, नवंबर 26 यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे से। और देखो, अभी आपको यहाँ पे ये चीज़ पर ध्यान, जो ये एक न्यूज़लेटर है, ब्रेल न्यूज़लेटर है, जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, उनके साथ साथ सावी फाउंडेशन और स्वागत थ्रॉट, इन सबका ये एक तरीके से जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनको 5 पार्ट में अवेलेबल कराया जाएगा ब्रेल स्क्रिप्ट में, जो कि विजुअली चैलेंज जो पीपल होते हैं उनके लिए बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं एम्प्लॉयज़ के बारे में, कि एम्प्लॉयज़ को राइट है, दे कैन रिज़ाइन, ओके। देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि कोई भी अगर एम्प्लॉय हो उनके पास एक राइट है रिज़ाइन करने का, ठीक है, और कोई भी एम्प्लॉयर जो होते हैं जो उनसे काम करवाने वाले, तो उनको ये, मतलब उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उनको कंपेल नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे काम करो, और उनको मतलब रेजिग्नेशन देने की फुल एंड फ्लेजेड राइट्स होती हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट और एक्सप्लॉयटेशन, इन दोनों से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो ये कौन से फंडामेंटल राइट के आर्टिकल इन दोनों से रिलेटेड है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। देखो नेक्स्ट आर्टिकल है, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली जनरल क्रिमिनल लॉ को बोला कि ये इल इक्विप्ड है टू डील विद जो ये कॉमनल रियॉट केसेस हैं उनसे। देखो, अभी रिसेंटली 1984 के एंटी सियॉक रेट सिख रियॉट से बेसिकली ये, मतलब जजमेंट आई है, और उसमें जो 70% जो, मतलब कन्विक्शन के थ्रू आए थे यहाँ पे, ठीक है, जिनके ऊपर चार्जेस था कि उन्होंने ये दंगे फसाद करवाए हैं, घर जलवाए हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट निकल रहा है पहले के जजमेंट से। देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ये जो हमारे कॉमनल रॉयट केसेज हैं ये इल इक्विप्ड हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो, कॉमनल रियॉट जो हैं और जो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेज हैं, ये कहीं ना कहीं एक रूट कॉज है, क्योंकि इस, मतलब ये तरीके की जो लोग होते हैं, इन तरीके के जो लोग होते हैं, या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी, जो ये प्रोटेक्शन इनको एक तरीके से मिल जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे सेवरल रिफॉर्म्स के भी सजेशंस दिए गए हैं एक्चुअली हाई कोर्ट के थ्रू। देखो, इसका बेसिकली क्रक्स आपको मैं बता दूं, तो कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 को अमेंड करके और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 को अमेंड करके, जो SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स जो होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो होती है, ये बेसिकली उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है किसी भी ऐसे केसेस को लेके, उनके ऊपर मतलब परफेक्ट उनकी रिस्पेक्टिव कंट्रोल के साथ उनको ये परफेक्ट SITs को बनाया जाए। फिर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ जो हमारी मीडिया है, जो उनकी जो राइज हो रही, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी के, उनको भी जो ये केसेस हैं फॉर यूटिलाइजिंग एज एविडेंस द प्रेस रिपोर्ट्स सपोर्टेड द फोटोग्राफिक मटेरियल और वीडियो फुटेज इन ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेज अराइजिंग आउट ऑफ कॉमनल रियॉट्स, ओके। सो आज के हमने पॉलिटी लेक्चर में कम्प्लीट पॉलिटी के सेक्शन को हमने डील कर लिया, ओके। सो आगे हम और नवंबर के डिस्कशंस को डील करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। गॉड ब्लेस यू ऑल।